गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा आठवीं हिंदी प्रथम का पाठ 13 अनोखा अतिथि, जो हमने अपने पिछले वीडियो में इसको पढ़ लिया था, तो आज हम इसकी पीडीएफ करेंगे और इसके प्रश्नोत्तरों का साथ में अध्ययन करेंगे। तो देखिए अनोखा अतिथि, सबसे पहले हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। शब्दार्थ में है सबसे पहला चिकित्सक। चिकित्सक का अर्थ होता है डॉक्टर। निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के। खफा, नाराज। डेरा, रहने की जगह है। मर्यादा, इज्जत या फिर सीमा। आपत्ति, ऐतराज। साजिश, षड्यंत्र। अनमनी, बेमन से या फिर उदासी। नालिश, मुकदमा। सबल, शक्तिशाली या ताकतवर। आरोग्य, स्वस्थ होना। चौकसी, चौकीदारी। आश्रय, पनाह या फिर आसरा। आइए देखते हैं, हम पढ़ते हैं मौखिक प्रश्न उत्तर। लेखक हवा बदलने के लिए कहाँ आया था? लेखक हवा बदलने के लिए देवघर आया था। लेखक किस काम के लिए आनाकानी करता था? लेखक टहलने न जाने के लिए आनाकानी करता था। लेखक के पीछे पीछे कौन आ रहा था? लेखक के पीछे पीछे एक कुत्ता आ रहा था। नेक्स्ट देखिए आप लघु प्रश्नोत्तर। लेखक की सेवा कौन कर रहा था? लेखक की सेवा उनका एक नौजवान मित्र कर रहा था। उनका मित्र बड़े निस्वार्थ भाव से और मन लगाकर सेवा कर रहा था। लेखक को क्या देखकर भरोसा हुआ कि वे भी टहल सकते हैं? लेखक ने कई बूढ़े आदमी को सड़क पर तेज चाल से टहलते देखा तो उन्हें भी भरोसा हुआ कि वे भी कुछ दूर टहल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लेखक का अतिथि देखने में कैसा था? लेखक का अतिथि एक कुत्ता था। दिखने में वह बड़ा सयाना था, लेकिन रोग के कारण पीठ के रोएं झड़ गए थे। वह जरा लंगड़ा कर चलता था। अब देखिए संक्षिप्त प्रश्नोत्तर। नौकरों को कुत्ते को भोजन देने में क्यों आपत्ति थी? तो देखिए, लेखक जानते थे कि रोज बहुत सी खाने की सामग्री फेंक दी जाती है, अतः कुत्ते को खिलाने में किसी को परेशानी न हो। लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि बचा हुआ खाना मालिन ले जाती थी। नौकरों को भी मालिन से पूरी सहानुभूति थी, इसलिए वे खाना कुत्ते को न देकर मालिन को दे देते थे और कुत्ता भूखा ही रह जाता था। नेक्स्ट देखिए आप प्रश्न। मित्र ने घर में हंगामा सुनकर क्या कहा? मित्र ने घर में हंगामा सुनकर लेखक के लिए कहा कि दादा की तो बातें ही निराली हैं। आदमियों को दुख खाने को मिलता नहीं है और ये राह के कुत्ते को बुलाकर खिलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, घर वापस आने के बाद लेखक के मन का उत्साह मंद क्यों हो गया? लेखक को उस कुत्ते से अपनत्व हो गया था। उन्हें उस कुत्ते को छोड़कर आना अच्छा नहीं लग रहा था। लेखक का मन यह सोचकर उदास हो रहा था कि जब कुत्ता फाटक खुला पाकर उसको खोजता हुआ कमरे में पहुंचेगा और लेखक को वहां न पाकर उसकी क्या दशा होगी। नेक्स्ट देखिए आप दीर्घ प्रश्नोत्तर। इस संस्मरण से आप पशु की भावना का क्या अंदाजा लगाएंगे? बिना बोले वह अपनी बात कैसे समझाता है? पशु बहुत संवेदनशील होते हैं, यानी उनमें संवेदना होती है। वो बहुत जल्दी सहम जाते हैं। अगर उन्हें कोई डांट देता है तो वो बहुत जल्दी सहम जाते हैं। उनमें अपने मालिक के प्रति अपनत्व होता है। वे ममता व घृणा दोनों भावों को समझ जाते हैं कि कब कोई उनसे प्रेम कर रहा है और कब उनसे घृणा कर रहा है। वह अपने मन की बात बिना बोले आंखों के द्वारा समझा देते हैं। दुम हिलाकर वह अपने भावों को हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। अपनी खुशी व उत्साह को भी वह प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार पशु भी अपनी भावना को विभिन्न तरीकों से हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। पशु और पक्षी अपनी आवाज में अपने मालिक को ये बताते हैं कि उन्हें क्या तकलीफ है या फिर क्या खुशी है। उनके अलग अलग मतलब भावों को प्रकट करने के उनके अलग अलग तरीके होते हैं। देखिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि पशु पक्षी हमारे प्रेम या नफरत को समझ लेते हैं? अपना अनुभव लिखिए। तो देखिए, पशु पक्षी हमारे किए गए अच्छे व बुरे व्यवहार को समझते हैं। अगर हम पशु पक्षियों के प्रति प्रेम व अपनत्व का भाव रखते हैं तो वह हमारे साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं।
अगर हम उनके साथ नफरत का व्यवहार करते हैं तो वे हमारे पास आने से भी कतराते हैं। हमें केवल उनकी सुख सुविधा का ही नहीं, उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए, उनके भावों को पहचानना चाहिए। अब देखिए लेखनी से, लेखक किसकी सलाह पर देवघर आए थे? चिकित्सक की सलाह पर। लेखक का अतिथि देखने में कैसा लग रहा था? रोगी। बचा हुआ खाना लेखक के घर से कौन ले जाता था? मालिन। लेखक को स्टेशन पहुंचाने कौन कौन गया था? तो यहाँ पर ये दोनों गए थे, नौकर और कुत्ता। नीचे लिखे वाक्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एकाएक जान पड़ा कि उसकी दोनों आंखें जैसे गीली हो रही हैं। वह एकांत में मेरे आगे कुछ नलिश करना चाहता है। किसकी आंखें गीली हो गई थी? यहाँ पर कुत्ते की आंखें गीली हो गई थी। उसकी आंखें क्या पूछने पर गीली हो गई? जब लेखक ने उससे पूछा कि तुमने खाना खाया, तो उसकी ये बात सुनकर उसकी कुत्ते की आंखें वो गीली हो गई थी। वह एकांत में क्यों आया था? वह एकांत में इसलिए आया था क्योंकि नौकर है वह उसको देखते ही भगा देते थे, पर जब नौकर सो गए तो वह चुपचाप से अपने मालिक के कमरे में आया ताकि वह उन्हें सब कुछ बता सके। वह क्या नलिश करना चाहता था? वह यह नलिश करना चाहता था या यह बात प्रकट करना चाहता था कि उसे समय पर भोजन नहीं दिया जाता और भोजन है वो मालिन को दिया जाता और वह भूखा रह जाता है। अब देखिए नीचे कुछ हमें कहानी के कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमें उन्हें घटनाक्रम के अनुसार सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले क नंबर पे आएगा, कई बूढ़े अपनी शक्ति भरते चाल से अपने डेरों को लौट रहे थे, ये क नंबर पे आएगा। नेक्स्ट ख पर आएगा, कुत्ता बाहर खड़ा पूंछ हिलाता रहा, भीतर घुसने की हिम्मत न कर सका। इस ख के बाद में गया आएगा, आज तू खाकर जाना, बिना खाए न जाना, समझा। गए के बाद में घ आएगा, जी नहीं, मालिन ने उसे मारकर भगा दिया था। घ के बाद में ड आता है, कुछ पाया नहीं तो केवल मेरे अतिथि ने। उसके बाद में देखिए च यानी लास्ट में आएगा, मेरा अतिथि लौट कर देखेगा कि घर का लोहे का फाटक बंद है। कुछ शब्दों में कुछ वाक्यों में और मेरे विचार से प्रश्नोत्तर हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट देखिए भाषा और व्याकरण। तो यहाँ पर आ के स्थान पर ए लगाकर हमें वचन बदलना है। कुत्ता कुत्ते, दरवाजा दरवाजे, कमरा कमरे, तांगा तांगे। अब देखिए गद्यांश में कुछ शब्द है जो रेखांकित किए गए हैं, हमें उनका विलोम शब्द लिखना है। अब देखिए फर्स्ट रेखांकित है अस्वस्थ, तो अस्वस्थ को हम क्या लिखेंगे? स्वस्थ। बूढ़ा जवान, दुर्बल सबल, रोगी निरोगी, मित्रता शत्रुता, बाहर अंदर, प्रेम घृणा। अब देखिए नेक्स्ट हमारे की, एक तो छोटी जो की होती है वो क्या होता है? योजक चिन्ह होता है, और जो बड़ी की होती है वो संबंध का के की संबंध विभक्ति होती है, तथा जो की होता है वो सामान्य भूतकाल की क्रिया से एक एक वाक्य हमें बनाना है। इनके प्रयोग को गहराई से देखकर यह पता लगाइए कि इनका प्रयोग सामान्यतः किन शब्दों के बाद तथा कहाँ हो रहा है। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है। फर्स्ट जो की होता है वहां पर देखिए मिश्र वाक्य जो अपने आते हैं उसमें ज्यादातर छोटी की का प्रयोग होता है। मैंने सोचा कि, अब मैंने क्या सोचा? कि मैं घर चला जाऊं। उसने कहा कि वह कल घर आएगा। तो जहां पर हम कुछ कहना चाहते हैं और अगला वाक्य हमारे कहने के ऊपर डिपेंड होता है, तो वहां पर हमारे योजक चिन्ह लगता है छोटी की। नेक्स्ट देखिए यह राम की पुस्तक है, तो यहाँ पर देखिए यह राम की पुस्तक है, तो राम से पुस्तक का संबंध स्थापित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आपकी बड़ी की आएगी, संबंध का के की, तो यहाँ पर आपकी बड़ी की आती है। नेक्स्ट देखिए मैंने आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना की, यानी करी थी प्रार्थना, ये भूतकाल की सामान्य नॉर्मल सेंटेंस है। मैंने आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना की, ये भूतकाल की बात हो गई, मतलब जस्ट अभी भूतकाल में सामान्य भूतकाल की बात हुई है। तो जहां पर वाक्य के एंड में की आता है, मतलब प्रार्थना की कार्य करने के साथ में जब की आता है तो वो क्या होती है? भूतकाल की क्रिया होती है, और ये की हमेशा अंत में आता है।
और यह राम की पुस्तक है, ये संबंध किसी चीज के मतलब कर्ता के बीच में और किसी वस्तु के बीच में जब संबंध स्थापित होता है तब बड़ी की आती है, और जब योजक के रूप में आता है तब छोटी की आती है। नेक्स्ट आप देखिए, क्रिया की धातु रूपों में कर जोड़ने से पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। अब आपको पता है पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जैसे अभी मैं कोई काम कर रही हूँ उससे जस्ट पहले मैंने जो कार्य किया वो मैं अगर आपको कहूँ कि जैसे मैं खाना खाकर अभी घर आ गई, तो मैंने घर आने से पहले क्या कार्य किया, खाना खाया, तो वो हो गई आपकी पूर्वकालिक क्रिया। खाकर, जाकर, लाकर, बैठकर, उठकर, ये पूर्वकालिक क्रियाएं होती है। देखिए वाक्य चैप्टर में से हमें कुछ ऐसे वाक्य छांटने हैं जिसमें पूर्वकालिक क्रिया है। वही कुत्ता आकर बरामदे में बैठा है, वही कुत्ता आकर बरामदे में बैठा है, तो अभी वो क्या कर रहा है, बैठने का कार्य कर रहा है, पर उससे पहले क्या है, वो आया है ना। पीछे मुड़कर देखने पर मैंने पाया कि एक कुत्ता मेरे पीछे आ रहा है, तो यहाँ पर मुड़कर क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया, यानी कुत्ते को जब आपने पीछे देखा तो उससे पहले आपने क्या किया, मुड़े, है ना। वह आराम से निश्चिंत होकर डरा डटा हुआ है, वह आराम से निश्चिंत होकर, होकर में क्या होगा, अभी वो क्या कर रहा है, डटा हुआ है, पर उससे पहले वो क्या किया, उसने निश्चिंत हुआ है, वो तो निश्चिंत होने की क्रिया है, तो होकर चीज है वो आपके पूर्वकालिक क्रिया में आ जाएगी। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। अब आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, वो आपको रॉन्ग दिए गए हैं, आपको उनकी वर्तनी का सुधार करके उसको लिखना है। प्रायः नहीं होता, प्रायः होता है, आंखें में आपके चंद्रबिंदु आएगी, एकांत में आपके अनुस्वार आएगा, दृष्टि में द के नीचे री की मात्रा आएगी, दृष्टि, ग्रहण नहीं होता, ग्रहण होता है, कोठरिया नहीं होता, कोठनिया होता है, री की मात्रा छोटी है, जब यहाँ का प्रयोग होता है तो हमेशा बड़ी ई की मात्रा है वो छोटी ई में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार हमने इस पीडीएफ के प्रश्नोत्तर और भाषा और व्याकरण के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन कर लिया है। ये पीडीएफ आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे ग्रुप में भेज दी जाएगी, तो आप समय से अपना काम अपने अभ्यास पुस्तिका में करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए। धन्यवाद।